नमस्कार बच्चों, कक्षा दूसरी में चैप्टर 7 में हम झटपट जोड़ दिया गया है आपका खेल गतिविधि से गतिविधि के माध्यम से जोड़ करते हैं। देखो बच्चों कितना आया, 4 और 3, इनको मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, मिलाओ और जोड़ो। आप लूडो के पासों की सहायता से खेल सकते हैं। 4 में मिलाया 3, कितना आ गया, झटपट गिन दो, 4 से आगे गिन लो, 5 6 7, कितना आ गया, 7। ये देखो 3 और 3 जोड़ो, 3 से आगे 3 गिन दो ना, 3 4 5 6, 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। झटपट जोड़ करें, आप दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं ना, फटाफट जोड़ करेंगे और देखते हैं। ये देखो इस पे 6, इस पे 4, 6 और 4 कितने हो गए, 6 से आगे 4 गिनेंगे, 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हो गया हमारा, यानी कि 6 और 4 कितना हो गया, 10। यहाँ से लिख देंगे और देखते हैं, 5 और 4 कितना आ गया, 5 और 4, 5 जमा 4 जोड़ो, 5 से आगे 5 5 से गिन लो, 5 से आगे 6 7 8 9 9 आ गया। इस प्रकार आप आगे आगे गिनकर कर सकते हैं। इसी खेल को कंचों के माध्यम से खेलेंगे। एक तरीका और देखिए कैसे करते हैं, मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। 3 जमा 2 किसके बराबर आएगा, और 2 जमा 3 ये क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। 3 3 है ना, 3 टॉफियाँ ले लो यहाँ पे, 1 2 3, और ये कितने, 2, ये 2 ले लो यहाँ पर, इनको मिला दो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 5 होगी। यहाँ पर कितनी है, ये पहले 2 है ऊपर, 1 2, और यहाँ पर नीचे कितनी है, 1 2 और 3, 2 में 3 मिलाया तब कितनी आई, 1 2 3 4 5, तब भी 5 आई। यानी कि हम मेल मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे मेल, जैसे 2 जमा 3 और इधर है 3 जमा 2, बीच में ये इस प्रकार से निशान है, ये 5 आ गए दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। इस प्रकार से आप अपनी बुक का पेज नंबर 33 करें। चलिए एक चित्र और देखते हैं आपकी बुक में से ही। ये देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ये 3 भैंसें खड़ी हैं और 4 भैंसें यानी 4 भैंसें बैठी हैं, तो कितनी हो गई, तो गिनेंगे इनको सभी को, 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे कितनी भैंसे हो गए बच्चों, 7 भैंसे होंगी। अब ये देखो क्या है, ये मैं जा रहा हूँ बाहर, बाड़े में भैंसों का ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना 7 भैंसे हैं, तो इस प्रकार से 3 भैंसे बैठी थी और 3 भैंसे खड़ी थी और 4 भैंसे बैठी थी। यहाँ पर देखो बच्चों, अच्छा पहले 3 भैंसे खड़ी थी और 4 बैठी थी, इस बार 4 भैंसे खड़ी हैं, कितनी खड़ी है, गिनो इनको खड़ी वाली को, 1 2 3 4, 4 भैंसे खड़ी हैं और 3 भैंसे बैठी हैं, 1 2 3 भैंसे बैठी हैं, तो सारे कितनी हो गई हमारी, हिसाब लगाओ, 4 में 3 मिला दो, 4 4 से आगे 5 6 7, ये भी 7 हो गई हमारी। यहाँ देखो तालाब के अंदर कितनी भैंसे हैं, तालाब के अंदर 1 2 3 4 5, और बाहर कितनी है, 1 2, तो बबताओ कितनी होगी कुल, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ही है। इस प्रकार से आप अपने आसपास घर के आसपास से जोड़ के सवाल कर सकते हैं। चलो देखो साथी ढूंढो, ये 3 जमा 2 कितना आएगा बच्चों, इस 5 से मिला दो, अब इधर इसका 5 किधर आएगा, ये 8 और 1 9 होता है ना, 9 से मिलाना है आपने, 4 और 3 7, 7 से मिला दो, इनके साथ ही ढूंढ कर आपने इस प्रकार से खेल खेल में एक गतिविधि के माध्यम से पेज नंबर 33 34 और 35 आपने करना है। वस्तुओं को आप इस प्रकार से डंडे लगाए करें, कंचे लेके करें, या किसी भी तरीके से करें, आप ये सब करें। धन्यवाद। 5 6 7 8 9, ये मेरे पास 9 कंचे हैं, कितने कंचे हैं, 9 कंचे, इनका हम खेल खेलते हैं, इनको 2 कटोरियों में अलग अलग रखते हैं, अब आप गिनो किसमें कितने, 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5, यानी कि 4 और 5 मिलाकर कितने बनेगा हमारा, 9 बनेगा। इसी प्रकार से इनको और तरीके से रख सकते हैं हम, कंचे 9 ही है हमारे, अब मैंने कुछ कंचे इसमें रख दिए और कुछ कंचे इसमें रख दिए, देखो इसमें 3 कंचे रखे ना, इसमें कितने रखे, 6, यानी कि 3 और 6 भी कितने हो गए हमारे, 9 कंचे हो गए। इस प्रकार 9 कंचों को हम कई तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं, अगर इसमें 2 रखें
तो इसमें कितने हो गए, इसमें दो, इसमें सात, यानी कि दो और सात भी कितने होते हैं, नौ होते हैं। और अगर इसमें हम एक कर दें, एक इसमें मिला दें, इसमें से एक निकाल दिया, इसमें मिला दिया, तो यहाँ पहले कितने थे, सात थे ना, अब इसमें एक मिला दिया, आठ हो गए। यहाँ पर कितना, एक, यानी कि एक और आठ, ये भी सारे कितने हैं हमारे पास, नौ कंचे। तो नौ कई तरीक़ों से हमारा नौ आ सकता है, जैसे एक और आठ को जोड़ के नौ, दो और सात को जोड़ के नौ, तीन और छः को जोड़ के नौ, चार और पाँच को जोड़ के नौ। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी है, अगर इस प्लेट में पाँच हो, ये देखो पाँच, इसमें चार हैं, तब भी नौ आएगा, यानी कि पाँच और चार भी हमारा नौ ही आएगा। इसी तरह से खेल विधियों से आप गणित पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें।